मेरे साथ सीएम बलूचिस्तान मौजूद हैं जाम कमाल साहब, उनसे क्विकली उनकी सिचुएशन देख लो। जाम कमाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे साहब? खैरियत से जाम से जाम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आज जो तहरीक दम एतमाद जो ये आई है आपके खिलाफ कल, इसमें पिछले दो तीन दिन में ये 14 लोग तो आपके अपने 24 ऑपोजिशन मिला के ये तो 38 लोग बन गए और 33 चाहिए उनको आपकी हुकूमत गिराने के लिए, या आप मुश्किल में लग रहे हैं वैसे इस वक्त? जी काशिफ साहब, एक तो ये है कि यकीनी तौर पर आज अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है और ये फर्स्ट टाइम है कि जो हमारे उस 14 लोगों ने जमा कराया है उनमें दो शख्स बीएनपी अवामी से हैं और एक पीटीआई से हैं और बाकी जो 11 हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। और इस बात में भी कुछ चीजों को देखना पड़ेगा कि पहले की तरह जब तहरीकें या इस तरह की चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सारे लोग इज्तिमाई तौर पर जमा होते थे, लेकिन मैंने देखा है कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने उन 14 में से सिर्फ 7 मेंबरों को वहां देखा। मैं आपको सिलसिला जरूर बताऊं कि जब से मामलात इस तरह हुए हैं मेरा खुद जाना बहुत सारे मेंबरान के पास हुआ और उनसे मुलाकातें भी हुई और बहुत सारे मेंबरान का यही कहना था कि जी हम इस नजे पे तो नहीं जा रहे थे कि हम चीजों को हुकूमत गिराने की तरफ ले जाएं। यकीनी तौर पर हमारे तहफ़ुज़ात थे और वो तहफ़ुज़ात आपसे भी थे, कुछ वज़रा से भी थे और वो शायद हल तलब हो। तो मैं अभी भी बड़ा पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हमारे लेकिन जाम कमाल साहब आप जानते हैं कि 14 लोगों का दस्तखत करके सामने आ जाना, यू नो पॉलिटिक्स, लोग अमूमन बंद कमरों में तो हामी भर लेते हैं लेकिन दस्तखत उस वक्त होते हैं जिस वक्त लोग कहते हैं अब हम सामने आना चाहते हैं। सो इट डजंट मैटर कैमरे के सामने कौन आ रहा है, आपके सामने ये सब 14 लोग आ चुके हैं। जी 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 बिल्कुल। सो यू लुक्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। जी दस्तखत के साथ साथ कभी कभी जी कैमरे के सामने आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और मैं अभी भी कहता हूं कि और ये जो जहां तक मैं बात कहूंगा कि ये तहरीक जो है पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से चल रही है, मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि ये दस्तखत जो हम देख रहे हैं शायद ये आज के ना हो, शायद ये 10-15 दिन पुराने हो जब इनिशियली कोई इत्तेफाक राय कायम हुआ था। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो शायद इस आज के दिन के बाद जन्म ले सकती हैं और इन्हें इंशाल्लाह क्लैरिटी आएगी। सर आपने गुफ्तगू की है इन 14 में से किसी से? जी मैं तकरीबन माशाल्लाह कोई 8-9 मेंबरान से खुद जाके उनके घरों पर मिला हूँ और बड़ी तफसीली हमने अपने पार्टी के साथ मुलाकातें की हैं उनकी। व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस? मैं अब ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस? आपको लगा कि वो रेकंसाइलेबल डिफरेंसेस हैं, यानी वो इख्तलाफात खत्म किए जा सकते हैं जो लोगों का आपके साथ हैं? जी दो चीजों के खिलाफ हैं और मामलात हैं। एक है कि कुछ लोग कुछ वादा कुछ वईद करके इस पूरे मामलात में अनजाने तरीके से फंस भी गए और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके बड़े संजीदा हैं जो शायद हमारे साथ खुश ना हो और उनके जहन में यह है कि बस आइदर वी डू दिस और वी डोंट डू समथिंग। तो इन दोनों में बड़ा एक फर्क है। हम ज्यादातर कोशिश उन दोस्तों के साथ कर रहे हैं जो कि कम से कम एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज की तरफ नहीं है और चीजों को अच्छे अंदाज में आगे की तरफ ले जाने। इन 14 में से वो कितने लोग हैं जाम साहब? देखिए मैं पुरउम्मीद हूं कि एक बड़ी अक्सरियत यकीनी तौर पर एक बड़ा आजादाना सोच रखती है कि वो उन चीजों को बेहतर करें। लेकिन आपके सामने जब इस्तीफे पेश किए गए आपने मंजूर कर लिए 3 बुजुर्ग के इस्तीफे, या आपने कोशिश की? नहीं मेरे को उन्होंने पेश नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट जाके गवर्नर साहब को पेश किए और मैंने फिर भी कहा कि हम इस बात पे भी राजी हैं कि आप अपने इस्तीफे वापस लें, लेकिन हो सकता है कि चूंकि उनका एक इत्तेफाकी राय इसी पे शुरू में बना हो कि हम सब इस्तीफा देंगे तो उन सब ने अपना एक वादा जरूर पूरा किया होगा। मसला ये था सर कि ये एक बात आज आपके खिलाफ, आज आपको पता होगा कि कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं बलूचिस्तान में, इस टाइम सियासी हलचल बहुत है। एक चीज ये कही गई कि बजाय हालात सुधारने के, बजाय इसके कि इस्तीफे होल्ड किए जाते, आपकी तरफ से उस वक्त कुछ नहीं हुआ इन सारों को ठीक करने, इस मामले को ठीक करने का आपका ये? जी मैं काशिफ सर तकरीबन 1 महीना इस मामले को हुआ और पहले दिन से हमने बहुत सारे दोस्तों को एंगेज किया। पहले तो बहुत सारे लोग शायद इस बात पे राजी भी नहीं थे कि हम इनफरादी तौर पे या किसी हवाले से बात करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एक फ्लेक्सिबिलिटी आई, उन्होंने हमारी बात भी सुनी। सर फ्लेक्सिबिलिटी, 14 लोग साइन कर गए आपके खिलाफ, तो पिछले 1 महीने में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई, ज्यादा रिजिड हो गया स्टैंड उनका? देखिए हम वी आर सीइंग द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू टुडे, मे बी अल्लाह करे इंशाल्लाह अभी भी हमारे पास चीजें आगे की तरफ ऐसी हैं जिनमें हम बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देख सकते हैं। आर यू होपफुल? आखिरी सवाल,
क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आई एम ऑलवेज दी होपफुल एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू द लास्ट डे. बिल्कुल ठीक है.